स्टूडेंट्स, आप लोग दो तीन दिन से क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो है द नेम फ्रेंड्स, उसको आप लोगों ने पढ़ा। आज हम उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसका पेज नंबर 8 में एक क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है नीचे, उसमें आप लोगों को बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो इसके बगल में यहाँ ट्रू लिखेंगे, अगर गलत है तो इसके बगल में फॉल्स लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केशव्स हाउस। इसका मतलब कि चिड़िया जो थी वो केशव के घर के वेंटिलेटर के ऊपर अंडे दी थी। तो आप लोगों ने पढ़ा है द नेम फ्रेंड्स का पहला पेज, उसका वेरी फर्स्ट लाइन में आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। कॉर्निस वहां लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है वेंटिलेटर, इसलिए ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ, इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट इसका देखते हैं, श्यामा एंड केशव वेयर फ्रेंड्स। श्यामा एंड केशव वेयर फ्रेंड्स, इसका मतलब श्यामा और केशव दोनों दोस्त हैं। किताब जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ है पेज नंबर 1 में ही, उसका एकदम ठीक नीचे में सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा। इसका मतलब केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे, न कि फ्रेंड्स थे, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। यहां भी इसके बगल में फॉल्स लिख देंगे। उसी तरह तीसरा सी में क्या लिखा हुआ है, देयर वेयर 3 एग्स इन द नेस्ट। देयर वेयर 3 एग्स इन द नेस्ट मतलब घोंसले में 3 अंडे थे। अब इसके लिए कहां जाना होगा आपको, इसीलिए बुक का हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ट्रू और फॉल्स। केवल यहां पर हम बता दिए कि ये फॉल्स होगा ये ट्रू होगा, उससे वही काफी नहीं है, उसके लिए आपको पूरे बुक के हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ देयर वेयर 3 एग्स इन द नेस्ट, तो उसके लिए आप देखिए अपने बुक का द नेम फ्रेंड्स जो चैप्टर है उसका पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 के लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस एंड 3 एग्स लाइंग ऑन देम। यहां लिखा हुआ 3 एग्स लाइंग ऑन देम, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है देयर वेयर 3 एग्स इन द नेस्ट, ये क्या हुआ, सही हुआ। तो जब सही हुआ स्टेटमेंट तो क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अगला स्टेटमेंट जो है, इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर, मतलब ये सर्दी का मौसम था। तो आप पूरे बुक को पढ़ेंगे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा सीजन था उस समय, समर था विंटर था रेनी था, कौन सीजन था ये स्पष्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर आपको इसको इसीलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से पढ़ने पे सब पता चलता है। उसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है बट ओंट द चिक्स, बट ओंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर। पहला स्टेटमेंट, देयर इज नो शेड अबव देम इवन। तीसरा स्टेटमेंट, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर। और पेज 5 में लिखा हुआ है व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। ये सारे स्टेटमेंट बता रहे हैं कि ये विंटर सीजन का स्टेटमेंट नहीं है, ये सारा चीज जो है विंटर स्टेटमेंट नहीं होता है, ना प्यास लगती है अधिक, ना आदमी शेड चाहता है कि ऊपर से शेड रहे, ना तो गर्मी लगती है। तो ये सारे चीज जो बताया जा रहा है लिखा हुआ है बुक में, वो बतला रहा है कि विंटर सीजन नहीं है बल्कि उस समय समर सीजन था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
और लास्ट स्टेटमेंट है केशव फेल्ट पेंड व्हेन द एग्स ब्रोक। तो इसके लिए आप पेज नंबर 7 में जाइए और पेज नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ केशव लुक्ड पेंड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो गया। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, अब क्या करना है सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अपने से स्टेटमेंट कुछ कुछ बनाइए और उसको देखिए कि ये फॉल्स है या ट्रू है। हम कुछ क्वेश्चन अभी दे रहे हैं जो उसी चैप्टर के से लिया हुआ है और ये बुक में वो क्वेश्चन नहीं है, वो हम अपने से बनाए और उसके आधार पर आपको फिर उसमें भी ट्रू और फॉल्स करना है, ठीक है। तो अब हम कुछ नया स्टेटमेंट देते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा और उसे कर बना करके आपको फिर दिखाना है। स्टेटमेंट हम फिर से लिखे हैं, इसमें आपको वही काम करना है कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसके बगल में ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। केशव एंड श्यामा टेक मिल्क एंड जलेबी एवरी डे। बी में है श्यामा थॉट दैट हर ब्रदर वाज वेरी क्लेवर। सी श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ हर लेग्स। डी श्यामा फॉलन डाउन एंड ब्रोकन हिज हेड। और ई केशव टच्ड द एग्स। ये सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और बुक से मिलाना है, आपको ध्यान से पढ़ करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सबके बारे में अलग अलग लिखना है।